नमस्कार, संगीतास किचन में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे थाई करी, जिसके लिए मैंने ली है ये ब्रोकली और ये है मेरा कोकोनट डेसिकेटेड पाउडर और साथ में थोड़ा सा साबित धनिया, काली मिर्च और लौंग। और मैं डालूंगी इसके अंदर ये मटर, ये मेरी फ्रोजन मटर है। और मैं डालूंगी थोड़े से ये कॉर्न्स, अदरक का पेस्ट, टमाटर, लहसुन, प्याज और ये मेरी थोड़ी सी ब्रोकली की स्टेम्स हैं और चाइना ग्रास जो होती है, लेमन ग्रास, वो थोड़ी सी मैंने ली है। और साथ में सूखा धनिया कटा हुआ बिल्कुल बढ़िया ताज़ा। और ये है मेरी बेसिल लीव्स और ये पुदीने की पत्ती और साथ में एक लेमन की पत्ती। तो चलिए प्रोसेस शुरू करते हैं ड्राई रोस्टिंग से। सबसे पहले मैं ये धनिया को थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करूंगी, इस तरह से हल्का सा हमें इसको ड्राई रोस्ट करना है। थाई करी आपको पता ही है सबकी फेवरेट होती है और बहुत जल्दी और बढ़िया बन जाएगी। इसमें जो भी मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स बताए हैं उसमें अगर आपके पास कुछ ना हो तो वो आप स्किप कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं डालूंगी ये साबित धनिया, लौंग और काली मिर्च जो मैंने पीसी है। और मैं इसके अंदर डालूंगी थोड़ी सी ये पुदीने की पत्ती और मैं डालूंगी इसके अंदर थोड़ी सी ये बेसिल लीव्स, ये इम्पोर्टेंट है बहुत थाई करी के लिए। और मैं डालूंगी इसके अंदर हरे धनिया की पत्तियाँ और इसके अंदर जाएगा लहसुन, ये गार्लिक। और इसके बाद मैं डालूंगी इसके अंदर ये हरी मिर्च और जाएगी इसमें प्याज। ये बहुत ही बढ़िया बनती है। और ये मेरी थोड़ी सी लेमन ग्रास और ब्रोकली के जो पीछे के पीसेस होते हैं और थोड़ी सी ये मैंने कैरेट भी इसमें डाल दी है। और इसके अंदर जाएगा ये लेमन लीव, जिसको मैं इस तरह से डालूंगी और इसकी वेन को हम निकाल देंगे, द हार्डर पार्ट टू बी रिमूव्ड। तो बस इन सब को अब हम कर लेंगे ग्राइंड। और थोड़ा सा मैं इसके अंदर ही डाल दूंगी ये कोकोनट डेसिकेटेड पाउडर। अब देखिए, जिस पैन में मैंने धनिया रोस्ट किया था उसी में मैंने थोड़ा सा डाला है ऑयल और इसके अंदर मैं डालूंगी ये टमाटर और इसके अंदर मैं डालूंगी थोड़ा सा मेरा अदरक का पेस्ट, थोड़ा सा इसमें गार्लिक को डाल के। और मैं डाल दूंगी ये ब्रोकली। थाई करी बिना ब्रोकली के तो बनती ही नहीं है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसी के अंदर मैं डाल दूंगी थोड़ी सी ये बेसिल लीव, थोड़ी सी ये मिंट लीव और फिर मैं डालूंगी इसके अंदर ये बेबी कॉर्न, थोड़ा सा स्वीट कॉर्न। और मैं डाल दूंगी ये थोड़ी सी मटर। अब हम इसको स्टर फ्राई करेंगे। अब ये देखिए, जो मैंने मसाला बनाया था ग्रीन, जिसके अंदर मैंने डाला है बेसिल लीव्स, मिंट लीव्स, लेमन ग्रास और साथ में हरा धनिया, लहसुन, अदरक, तो ये मेरी ग्रीन थाई करी बनके हो जाएगी तैयार, है ना बढ़िया। अब इसके अंदर मैं डालूंगी थोड़ा सा ब्लैक पेपर और थोड़ा सा रॉक सॉल्ट। आप वाइट सॉल्ट भी डाल सकते हैं, मैं इसमें ब्लैक रॉक सॉल्ट डाल रही हूँ। और साथ में मैं डालूंगी थोड़ा सा ये लेमन जूस। आप विनेगर यूज़ कर सकते हैं, मैंने इसके अंदर लेमन जूस डाल दिया।
अब ये देखिए बढ़िया हमारी थाई करी हो जाएगी तैयार और बहुत ही स्वादिष्ट। आप एक बार इसको ज़रूर बनाइए। बिल्कुल कम ऑयल में बनने वाली ये बढ़िया एक इंटरनेशनल रेसिपी है। और अब मैं इसके अंदर डालूंगी ये मेरा कोकोनट वाटर, जिसके अंदर मैंने थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डाल दिया है ताकि ये कंसिस्टेंसी थिक हो जाए। तो बस इस तरह से मैंने डाल दिया इसमें फ्रेश कोकोनट मिल्क और 5 मिनट के लिए हम वेट करेंगे और फिर मिलते हैं प्लेटिंग के टाइम पर। तो देखिए ये बढ़िया थाई करी हो गई तैयार। अब मैं गैस को करूंगी बंद और चलते हैं प्लेटिंग की तरफ। इसको आप ज़रूर एक बार ट्राई करिए। यू कैन पुट सम चीज़, यू कैन पुट सम बटर एंड पैम्पर योरसेल्फ द वे यू वांट टू। और ये देखिए बहुत ही बढ़िया ग्रीन थाई करी हो गई तैयार। और बस मैं इसको थोड़ा सा गार्निश करूँगी ये लेमन लीव से और थोड़ी सी कोरिएंडर लीव से। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Do like and subscribe if you love such innovative recipes.